जब हम अपने घर में किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को चलाते हैं तो उसे ज़रूरत होती है 220 या 240 वोल्ट की, तो फिर हम अपने चारों ओर 33,000 या 132,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइंस को क्यों देखते हैं, जबकि हमें अपने उपकरण को चलाने के लिए इतने ज़्यादा वोल्ट की तो आवश्यकता ही नहीं है। बिना कॉम्प्लिकेटेड की आसान भाषा में बताते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन का एक नियम है, जब भी लाइन में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो उसमें करंट का मान कम हो जाता है। करंट का मान कम होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले वायर का एरिया भी कम हो जाता है, और ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे ज्यादा कॉस्ट वायर की ही होती है। वायर के पतले होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, साथ ही वायर का साइज कम होने के कारण लाइन में यूज होने वाले टावर्स, पोल्स और इंसुलेटर्स को भी कम स्ट्रेंथ का बनाया जाता है, जिस कारण ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट कम हो जाती है, और यही कारण है हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन का। अब आज का सवाल, ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाले कंडक्टर्स को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए।